हाँ तो भाई कैसे हो? सब भी बढ़िया ही होंगे आशा करता हूँ। तो आज खेत की तरफ जा रहे हैं, धूप निकली हुई है, आप देख सकते हो। थोड़ी थोड़ी निकली है, थोड़ी काफ़ी टाइम बाद निकली है धूप। आज कम से कम 15 दिन हो गए भी धूप देखो लगभग, तो मेरे को तो लग रहा है। और पीछे भी सरसों अपनी, अभी कणक की तरफ चलते हैं अभी, क्योंकि धूप है तो थोड़ी थोड़ी भी। चलो मैं सोचा चलो खेत की तरफ जाते हैं, बाकी आपसे थोड़ी मोटी बातें भी कर लेंगे। तो इस चैनल पर भी एक है, ये पहली मेरी वीडियो, ब्लॉगिंग वीडियो आप कह सकते हो इसको। लोग चलते हैं, देखते हैं फिर रोड की तरफ, रोड रोड जाएंगे या देखते हैं बाकी तरफ से जाएंगे। चलो बाग की तरफ से चलते हैं, अभी बाग के अंदर से चलेंगे। ठीक है, बड़े रहना अभी। चलो खेत ये बाग, अभी बाग के अंदर से चलते हैं, बाग के अंदर से चलते हैं अभी। सड़क सड़क पहले से जाने की सलाह थी, सड़क सड़क चलते हैं, फिर सोचा चलो बाग से अंदर से चलते हैं शॉर्टकट ही। अब की बार भाई पता नहीं बाग के ना इतना फाल नहीं लगा है। अभी संतरे का बाग आई है, अपने पड़ोसी हैं उनका है, पता नहीं क्या दिक्कत है। अभी सभी बागों में ऐसे हाल, अब की बार ये शायद ऐसे होता है। अभी एक साल है इसके फाल ज़्यादा लगता है, एक साल कम लगता है। बाकी कमेंट बॉक्स में बताना भाई किसी को पता हो तो। क्योंकि मेहनत तो बहुत माँ भैया, जो ये बागवानी होती है ना, मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है इसमें। तो हो सकता है भी शायद थोड़ी मेहनत की कमी रह गई हो। बाकी बूटे भी थोड़े इतने वो देखो सूख से गए हैं, ज़्यादा वो फलाव नहीं कर रखा बूटों ने भी। अब की बार सरसों की खेती बहुत है, अभी ये सरसों छोटी है सारी। अभी भाई नीचे वाले जो हमारे 4 किले हैं उसके अंदर मैं पहुंच गया हूँ। कणक देखते हैं भाई कैसी है। बाकी बारिश थोड़ी मोटी आई थी, ज़्यादा बारिश थी नहीं, मौसम ही ख़राब था काफ़ी दिन से। ये भी झटके वाली तार लगा रखी है जो दिख रही है ना आपको साथ साथ, इसके फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं। बाकी कणक दे सकते हो भैया, अब बढ़िया है कणक तो। काल वगैरह में देखते हैं भाई कहीं घास वगैरह तो नहीं हो रखा, नहीं तो स्प्रे मारनी पड़ेगी। नहीं खाल तो साफ है, मिट्टी निकालनी पड़ेगी, मिट्टी से थोड़ा सा भरा पड़ा है, मिट्टी निकालनी पड़ेगी। यही साइड भाई कनक अपने परिवार परिवार है तो उनकी है, ये अपनी वाली है भाई। इससे पहले दोनों के अंदर भाई नरमा था, नरमा तो आने भी खराब हो गया, सभी का खराब हो गया। बना रखे है आज तो, निकल रही है कभी नहीं निकल रही, निकल रही है कभी नहीं निकल रही। ठंडी हवा भी चली जा रही है साथ की साथ। अभी 2-1 दिन लगता है कि मौसम थोड़ा थोड़ा ऐसे रहेगा, बाकी फिर मौसम एकदम साफ होने वाला है। बाकी देखो कैसा रहता है मौसम, कैसे नहीं रहता। मौसम ठीक हो तो भाई बढ़िया ही है, स्प्रे वगैरह करने वाली होगी ऐसे भी कणकों वगैरह में भाई, दवाई वगैरह डालनी पड़ेगी अभी सभी कणकों में। बाकी उधर वाले खेत है ना, वो धान वाले अपने जो नहर के पास है, वो भी आपको एक दिन मैं दिखाऊंगा, उधर भी आपको लेकर चलूंगा मैं। उधर वाले सुसाइड वाली कणक वगैरह आपको सभी चीज़ें दिखाऊंगा मैं, उसकी एक दिन अलग से मैं वीडियो बना दूंगा आपके लिए। भाई ये झोंपड़ी सी बनाई थी, ये झोंपड़ी सी तो भाई गिर गई, ये झोंपड़ी बनाई थी, ये इन्होंने बनाई थी भाई पड़ोसियों ने। तो उन्होंने एक सीढ़ी रख रखा है भाई खेत के लिए, तो उसने बनाई थी भाई। कई बार पानी पुनी लगाना हो या कोई ऐसे भी खेत के अंदर रहना हो तो भाई रह सकते हैं। तो ये मौसम ख़राब हुआ तो भी कागज़ वगैरह फट गया। दो किले ये है भाई इस साइड के अंदर, वो घर दिख रहा है ना वहाँ तक लंबाई है, और 2 किले इस साइड के अंदर, ये 4 किले इकट्ठे। तो यहाँ पहले ऐसे थे भाई, खाली एक ही था लंबा,
अब बीच में एक खाल और निकाल दिया, ऐसे लंबाई कर दी इसकी, इधर 2 किले करी, 2 किले साइड कर दी। अब की बार देखिए इसके अंदर भाई धान की सला है, चावल लगाएंगे अभी, ट्राई करते हैं। इधर वाले जितने भी 7 किले अपने हैं, 7 के अंदर ट्राई करेंगे, क्योंकि मोटर लगी है इधर, कनेक्शन नया मिल गया है, बिजली कनेक्शन, तो ट्राई करना चाहिए। नरमे में भैया खेती के अंदर का मेहनत बहुत लगती है। अभी भाई चलते हैं उस दूसरी साइड वाले जहाँ मोटर है अपनी, अभी लगाई है जो, तो अभी पाइपलाइन भी डालेंगे अभी अंडरग्राउंड ना, इस 4 किले के लिए वहाँ से पाइपलाइन लेके आएंगे अंडरग्राउंड। तो चलते हैं उस साइड के अंदर, उस साइड वाले कनक देखते हैं। तीन किले कनक के ये है भाई, ये शायद आपको दिख रहा होगा वहाँ रास्ता है, वहाँ रास्ते तक है। ये भी कनक बढ़िया है, जो आपको इससे पहले वाली दिखाई है ना, वो भी सुखे के अंदर बिजाई की हुई है कनक की। ये यहाँ पानी मोटर लगाई है, ये यहाँ लगाई है, ये ट्रांसफार्म हो गया इसका, बोर वगैरह तो भाई कर दिया, पानी बढ़िया है, बाकी अभी कनेक्शन वगैरह अभी किया नहीं है, बाकी सब काम एकदम रेडी है। तो ये मकान भी बना दिया खेत के लिए, होना चाहिए भाई खाद वगैरह, कट्टे वगैरह रखने के लिए, और वगैरह भाई कोई चीज़ खेत के अंदर रखनी हो। ये छोटा सा बनाया भाई, ऊपर भी सिल्ली डाली थी हमने, ये एक छोटी सी चारपाई रखी हुई है, गेट वगैरह पड़ा है, घर पड़ा है, वो लगाने वाला है बस। और ये पाइप लाइन भैया अपनी अंडरग्राउंड है, पहले अपनी आती थी भी बड़ी नहर है जो सालम खेड़ा से आती थी, तो वो पीछे वाली मोटर है तो भैया ख़राब खरूब हो गई, तो अब गांव से ही आती है सारी पाइप लाइन से, अंदर पत्थर वाली पाइप लाइन है, ये यहाँ बोर है भाई, यहाँ से अंडरग्राउंड लेके जाएंगे अभी। ये वहाँ जो आपको मैंने अभी दिखाया है ना, वहाँ है वो 4 किले, वहाँ लेके जाएंगे अंडरग्राउंड इस मोटर का पानी। ये 3 किले रह गए पक्के नक्के लगाने वाले, इसके पक्के लगा देंगे फ्रेम वगैरह, बाकी तो सारे पक्के लगा रखे हैं। एक मिनट है भाई, सक्षम बोल रहा है साथ में, तो भाई घर आ गया था खेत से, तो अभी नहाते हैं भाई। और वीडियो थी एक छोटी सी वीडियो थी, खेत की तरफ गया था, तो आपको भी सोचा चलो अभी आपको भी कुछ खेत वगैरह दिखाते हैं, कणक वगैरह दिखाते हैं अपनी। और एक चीज और भाई, आप सभी का भाई दिल से धन्यवाद, आप सभी ने भाई 20K सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट करवाए हैं, आप सभी ने सभी वीडियो पे बहुत ज्यादा प्यार दिया है, और ऐसे भी प्यार बनाए रखना, आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो लेकर आऊँगा आने वाली। और एक चीज़ और आपसे मैं कहना चाहूँगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भाई आपको और आने वाली वीडियो किस टाइप की चाहिए और कैसी चाहिए, ये भी जरूर बताना भाई। मिलते हैं नई वीडियो में।